और एक जन को और बुलाओ ना, हमको इतना लगा कि ये पैर छूटा है मेरा। जनाब की वजह से हमेशा लेट होता है और आप पेंगुइन लग रहे हैं, ब्लैक पेंगुइन। गाइस एंड हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। तो आज है एक जैन, तो आज है 1st January और बज रहे हैं सुबह के 9:15। लेट हो गया गाइज बिकॉज मुझे फटाफट से ब्लॉग एडिट करना है। शायद आप लोग 1st January, ये तो ब्लॉग आप लोग 2-3 January को देख पाओगे। एक मिनट होल्ड करिए, तो ये ब्लॉग थोड़ा सा लेट होएगा, बट आज जो 1st January के दिन आप लोग ब्लॉग देख चुके होंगे, day 2 का फोटोशूट का वीडियो देखा होगा आपने, तो कैसा लगा आप लोग को कमेंट करके बताना। एंड अभी ना आज जो 1st January का प्रोग्राम है वो है हमारा पिकनिक का, तो हम लोग पिकनिक जा रहे हैं। तो मैं बैठी हुई थी, सोचा कुछ बना लूँ, रास्ते में पता नहीं वहाँ क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। ऐसे तो कहा गया है कि वहाँ पर मोमोज वगैरह अवेलेबल है, बट गोमजी को खाना था चने की घुगनी, तो उन्होंने इंसिस्ट किया कि बना लो, एंड डिम्पल को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हाँ गाइज, हम लोग जा रहे हैं डिम्पल के साथ पिकनिक में, डिम्पल, उसके सिस्टर, पापा जी, एंड गोमजी तो नहीं जाना चाह रहे थे, बट चना का घुगनी खाने के लालच में वो जा रहे हैं हमारे साथ। तो अभी मैं फटाक से ड्राई वाला चना बनाऊंगी एंड सोच रही हूँ पूड़ी बना लूँ थोड़ा सा, उसको मेरे यहाँ पे खाना बहुत ज़्यादा पसंद है एंड मुझे खिलाना बहुत पसंद है। तो गाइस इस वाले ब्लॉग को भी बहुत सारा प्यार दीजिएगा, इंजॉय करिएगा। बैक टू बैक बहुत सारे ब्लॉग्स पड़े हुए हैं, मुझे आप लोगों के साथ शेयर भी करना है। मैंने जो एक दिन डाला था, मैंने जो लास्ट वीडियो में डाला हुआ था कि मैंने गाउन का लहंगा बनाया है, तो वो भी लहंगा बन के आ चुका है, तो मैं उसका डिटेल फुल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, कैसे बनाया क्या बनाया। तो अगर आप लोगों के पास भी उस तरह के गाउन्स या ड्रेसेस पड़े हैं तो आप लोग भी उससे यूज़ कर सकते हो। तो चलिए गाइस, प्यार बनाए रखिएगा। ब्लॉग में नए हो तो जैसे कि हमेशा की तरह मैं कहती हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अरे गाइस, आँखों में आंसू आ गया, तो देख सकते हैं आँखों में आंसू आ गया ये प्याज की वजह से। ऐसे किसी में इतना ताकत नहीं है जो मुझे रुला सके प्याज को छोड़ के। तो क्या कह रही थी मैं कि आप लोग ऐसे अपना प्यार बनाए रखिएगा। वीडियो में चैनल पे नए हो गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, आप लोग देखते तो और चैनल सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो प्लीज़ 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 चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। बेल आइकन बटन को ज़रूर बेल आइकन बटन को ज़रूर क्लिक कर लेना गाइस, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले, कहीं कोई मिस ना हो जाए। तो चलिए अभी मैं बनाती हूँ। देखिए मैंने प्याज कट कर लिया है, तो बाहर का वेदर बहुत ही ठंडा है, तो अभी मैं प्याज को धोऊंगी, आज मासी भी नहीं आएगी हमारी। तो ये फटाक से प्याज और अदरक को धो लेते हैं, लहसुन भी है थोड़ा सा ही, लहसुन बचा हुआ है, अभी लहसुन भी मंगवाना है। और यहाँ पे मैंने चना जो है रात को ही भिगो दिया था, तो अभी इसको मैं आज कढ़ाई में बनाने वाली हूँ। तो गाइज आज जो हम लोग घुगनी बना रहे चने को, उसको बोलते बैठोगा चना, तो बैठोगा इसलिए शायद बोलते हैं कि इसको सब कुछ मिक्स करके एक साथ बिठा दिया जाता है, तो आज इतने मसाले सब एक साथ जाएंगे, लाइक जो भी मसाला हम फ्राई करते हैं इसमें चना के साथ। मतलब आप लोग देखे होंगे ना चंपारण मीट का रेसिपी, तो एग्जैक्टली वो वैसा ही बन रहा है, बस ये घुगनी रहेगा, मतलब वेज रहेगा, तो पूरा ही मटन वाला टेस्ट आने वाला है इससे। तो ये देख सकते हैं गाइस, मैंने प्याज को कट कर लिया एंड ये जो लहसुन है इसको मैं खड़ा ही डाल वाली हूँ, तो कुछ 8-10 कली को खड़े डालना है। और ये जो गया कढ़ाई में, बहुत ही टेस्टी होता है इस तरह से, अगर अभी तक नहीं बनाया है आप लोगों ने तो प्लीज़ बनाना, बहुत यमी होता है। एंड अब इसमें मैं चना डाल दूंगी, होप सबको पसंद आए। जितने भी मसाले हैं लाइक सरसों का तेल, नमक, हल्दी, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, मैं एक चीज आपको बता दे रही हूँ पहले, क्योंकि मैं शायद इतना रिकॉर्ड ना कर पाऊँ, मुझे लेट हो रहा है, तो मैं आपको बता दे रही हूँ। इसमें मैंने अदरक को भी क्रश करना है, फिर थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, मिर्ची पाउडर, गर्म मसाला, खड़ा गर्म मसाला, तेज पत्ता, जीरा, ये सब इसमें जाएगा। और गाइज आप लोगों ने इस तरह से पहले बना लिया तो मुझे कमेंट करके बताना, नहीं बना है तो आप लोग ज़रूर बनाना। तो चलिए इसमें मैं फटाफट से मसाला डालती हूँ,
लहसुन का पेस्ट डाल दिया था, अब मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा पाउडर। तो वन स्पून जीरा पाउडर। ओहो गाइस हड़बड़ी हो रहा है। एंड ये थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर। एंड अभी जाएगी थोड़ी सी धनिया पाउडर। मसाला ज़्यादा नहीं बनाना है गाइस, क्योंकि ये थोड़ा सा लाइट ही रहता है। अब गया मिर्ची पाउडर। और सबसे मेन पार्ट जो है, मेन ग्रीन इंग्रेडिएंट, वो है हींग। तो थोड़ा सा हींग जरूर डालिएगा, स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है इसका। एंड अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कश्मीरी पाउडर। सब इसे पहले ही डाल देना, मिक्स करेंगे हम लोग। एंड इसमें जाएगा 1 चम्मच देसी घी। और अब जाएगा इसमें सरसों का तेल। एंड ये पूरा का पूरा ग्रीन चिली, 4-5 इसको मैंने कट नहीं करा है गाइस। और बट आपके पास इसको बनाने के लिए अगर आधा घंटा हो तभी ये बने, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो अब हम इसमें सरसों का तेल ऐड करेंगे। ज़्यादा नहीं लेना है, आप लोग अपने, मेरा तो ज़्यादा तेल कम ही तेल रखा है। और ये 2 तेज पत्ता। अब इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। स्मेल इतना प्यारा रहेगा इसका, मैं आपको दिखा सकती। तो इस तरह से इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। फिर हम क्या करेंगे, इसको ढक के 5-10 मिनट के लिए रखेंगे। देन आफ्टर हम इसे गैस में चढ़ा देंगे। फर्स्ट में थोड़ा सा तेज आंच में रहेगा ये, जैसे ही इसमें बॉईल आना शुरू हो जाए फिर आप आंच को कम कर सकते हो। और फिर इसको भून लाओ हाफ एन आवर तक, ये खुद ही पक के रेडी हो जाता है। तो ये देखिएगा इस इतना प्यारा सा कलर आया है। अब इसको ढक देते हैं। तो ये 10 मिनट की जैसा हो गया, ऐसे मैंने पानी कुछ नहीं डाला। अब मैं इसको गैस ऑन कर दूंगी। गाइस सुबह सुबह हाथ काम नहीं कर रहा है। तो ये देखिए मैंने फुल आंच में इसको छोड़ दिया है। जैसे एक बॉइल आएगा फिर मैं इसको आंच पूरा ही धीमे कर दूंगी। अब मैं जा रही हूँ पूरी के लिए आटा लगाने। मुझे बहुत ठंड लगता है, नहीं दो रुक सोचे सारे बटन है। तो मैं सेटिंग कर दी आज का नहीं करना, मैडम जो है वो मुझे बना दिया। मुझे वो कल खत्म करेगा, इसलिए इसे भी काम करना चाहिए। वैसे मैंने बहुत अच्छी बहुत ही कम चुकी है, अब ये भी क्लियर कर दूँगी। किचन स्पेस और आटे में सब अभी सब सोए हुए थे, सब आज क्या करेंगे, डिसाइड नहीं करा। बोले फॉर्च्यून ऑयल ले लीजिएगा, नमक का पैकेट ले लीजिएगा। मुंह देखो, मुंह भी पोछा नहीं। हे भगवान, कैसा है मौसम बाहर? तो मेरा बर्थडे आज सेलिब्रेट होगा। कल गाइस इतना थकावट था कि कुछ करने को मन नहीं किया। मार्केट में इतना रास्ता अच्छा ही नहीं लगता कसम से, ये सब भीड़ भाड़। तो ये रहा इनका हेलमेट, तो इनको अभी भेजते। तेल खत्म हो गया। एक्चुअली 3-4 दिन से हम लोग किचन में देख नहीं रहे क्या चीज है क्या चीज नहीं है, इसीलिए समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पे चप्पलों की लाइन लगी है, कितना भी अंदर कर लो बाहर निकल ही जाता है। मौसम तो फ्रेश है, देखो मेरा सामान वहाँ पे, मेरा बेटा क्या किया है। आए थे तो लेते आइएगा। तो मैं देखो कैसे आपको डांटते हैं ये। नहीं आप लाएंगे, आप जानते हैं आपकी बीबी नीचे नहीं उतरती है, कितना आ गया कभी ना मेकअप का। तो धूप बहुत अच्छा है, मौसम बहुत अच्छा है। आते हुए लेते आइएगा, हम जा रहे हैं। मेजरमेंट है और मेरा मेकअप ब्रश है। सरसों फॉर्च्यून ऑयल, ठीक है फॉर्च्यून ऑयल। और तो कुछ नहीं चाहिए ना, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है लेके आइए। का घुघनी ऑलमोस्ट 15 मिनट हो चुका है, देखते हैं उसका क्या हाल है। एंड फटाफट से पूरी उतार के मुझे जाना है रेडी, और नहाना भी है, नहा के तैयार होना है। देखते हैं क्या पहनना है, पूजा भी देना है, बहुत सारा काम है। तो चलिए फटाफट से करते हैं काम, नहीं तो फिर हमारे जो डिम्पल मैडम है थोड़ा सा भी लेट हो तो उनका फिर पारा हाई हो जाता है। बिकॉज
टाइम के अकॉर्डिंग उनको रहना अच्छा लगता है, अच्छी बात भी है। तो मैं अभी क्या पहनूंगी समझ नहीं आ रहा, अंकल होंगे साथ में तो सोचो सूट पहन लूँ। चलो कोई नहीं, देखा जाता है, रूम में जाती हूँ क्या समझ आता है। एंड गाइस सबसे अच्छी बात है आप सभी के लिए मैं जल्दी से होम टूर लाने वाली हूँ, वो आप लोग इंजॉय करेंगे ब्लॉग को, एंड कमिंग जरूर करिएगा अगर आप लोगों को जल्दी से जल्दी देखना है। ये कलर माय गॉड, ओहो। तो एक हाथ में कैमरा लेके काम करना बहुत मुश्किल होता है। आप देखिए तेल यहाँ पे छोड़ दिया हुआ है, अभी इसको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी और ये तो फिर और पकेगा, ये प्याज पूरा गल जाएगा और स्मेल बहुत ही मस्त वाला आ रहा है इस। वाह, तो पूरी का आटा मैंने लगा लिया है, मैं छोटे छोटे लोई इसको काटूंगी, फिर पूरी बेलने में सानी होगा। तो गाइस हम लोग निकल रहे, रेडी हो चुका है सब कुछ, खाने को कुछ कुछ रख लिया, आपको दिखाऊं कि मैंने क्या क्या रखा है। फटाक से लिफ्ट आया, नन्नू कहाँ जा रहे हो? पिकनिक। तो पति पे अत्याचार कैसे किया जाता है गाइस समझ सकते हो आप लोग। और ये इंसान सिर्फ डिंपल के लिए जा रहा, नहीं तो इनका कोई जाने का मूड नहीं था, क्योंकि सैटरडे का इनका अलग सही प्लान होता है कि नहीं गुमजी? डिंपल के लिए जा रहे हैं कि नहीं? सोचो उसका डर इतना हमारे दिलो जिगर में है, अगर वो कुछ बोल दी वो करना है। नहीं है, ये प्यार है, क्योंकि वो हमारे लिए इतना करती है, कोई भी टाइम पे कहीं भी रहे वो एक बार आवाज देने से वो हाजिर हो जाती है। एंड कहीं ना कहीं मुझे भी बहुत ज्यादा मन था, मुझे तो जाना ही था, बट गोमजी हमारे साथ जा रहे हैं क्योंकि डिंपल ने कहा था। तो चलिए, बहुत थकावट सा चेहरा में लग रहा है, मैंने ना ठीक से ये भी प्लेट नहीं किया। चलो हमारा, ओह आराम, इतना सुंदर सा चश्मा, इसके अंदर ग्लास है कि नहीं है? होली माँ, बहुत स्मार्ट लग रहा है। बाय आराम, हैप्पी न्यू ईयर। जा, आप लोग बेल का रिंग सुन रहे होंगे, 11 बज गया है, डिंपल पूरा वहाँ फायर हो गया, हमें 10:30 बजे बुलाया था। तो ये कितना प्यारा लग रहा है ना साउंड। और पता है मुझे सिलीगुड़ी में बहुत दिन रहने के बाद पता चला कि यहाँ पे ऐसे घड़ी मतलब है, इस तरह से कुछ रास्ता है। तो अभी सुबह सुबह का वेदर देख सकते हैं, रास्ता भी खाली है, बिकॉज मुझे लगता है सब न्यू ईयर मना के सो रहे होंगे। तो यहाँ से वहाँ जाने में सच में ऐसे, इसीलिए कभी कभी लगता है इतना दूर आके रह गए ना, क्या बोले। पहले तो मार्केट से फटाक से सब चीज हो जाता था, मेरा प्यारा मार्केट। चलिए गाइस बने रहेगा ब्लॉग में, आने वाला अभी ब्लॉग बहुत अच्छा है आप सभी के लिए। एंड एंड में मुझे आप लोगों को बता रहा हूँ, ये तो ब्लॉग मेरा स्किप करें, देखना बहुत ही मजा की बात है, मजा आएगा। देखिए मैंने कैसे पहुँची है और चलाया था, लेकिन आप सभी के लिए मुझे बहुत डांटा है सुबह सुबह, तो मैं माफ नहीं करूँगी। चप्पल खोलो। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। नन्नू कहाँ जा है, कहाँ गई, कौन कौन है भाई, और एक जन ऊपर है, जा रही है ना, बोला सब रेडी है, दौड़े दौड़े हम आए। हाँ नहीं क्या है, झूठ मूठ का हम लोग को डरा ही है। अच्छा ये क्या, ये प्लांट अपने आप, हाँ लाइक में चलो जेल भेजो। ये 10:45 पूरी थी, आप आओगे 10:45? कितना झूठ बोल रही है भगवान, 1 जनवरी को चलो चलिए चलिए। और एक जन को और बुलाओ ना, हमको इतना लगा कि ये पैर छूटा है मेरा। तो अभी हम लोग सब निकल रहे हैं, मेरे वजह से हमेशा लेट होता है, इन जनाब की वजह से हमेशा लेट होता है। और आप पेंगुइन लग रहे हैं, ब्लैक पेंगुइन। ओह माय गॉड, ये अजीबोगरीब, हम सैंटा वाला ड्रेस पहन लिया गाइस, मैंने पिक्चर में कुछ और देखा था एंड सामने से ये कुछ और आया है। हाँ हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। আমার দুইটা নাম, একটা রিতেশ, একটা গৌতম। হ্যাঁ বাড়ি
बड़ा जिम्मेवारी लेके जा रहे थे, बोझ लेके जा रहे आप, बेचारा अभी टेंशन में आ गया। बोल रहे हो अपना तारीफ क्या, अपना मुंह से करे हम क्या है ना गोमजी, गोमजी को भी पता अपना तारीफ हम क्या ही करे। शब्द नहीं मिलते हैं तारीफ करने के लिए, है ना। तब तुम्हारा जीजा जी अब तुमको उल्टी से बचाने वाले हैं। दीदी उस दिन पूरी आपके हाथ से खाए, विश्वास करके हम आज वैसा ही पूरी बनाने का कोशिश की। पूछिए गोमजी से, एकदम पतला पतला हाँ बन गया, पर हमको लगता है थोड़ा सा और प्रैक्टिस चाहिए। बहुत अच्छा पूरी था, बहुत अच्छा। इनका जूता और इनका झोला एकदम मैचिंग है। होगा ये तो ब्लॉग बहुत ही मजेदार होने वाला है आज का। हम कितने सूखे सूखे लग रहे हैं ना। और जीजा जी अच्छा से लाइएगा, हमारे हैंडसम ग्रूम अभी तक भी हैंडसम ही है और आगे भी रहे। बेटा डर के चेहरा छुपा रहे। चलो कोई इस साल का रेजोल्यूशन लिया क्या तुम, क्या करेगा, क्या करेगा या क्या नहीं करेगा इस साल? इस साल दरोगा बनना ही है। अच्छा ठीक है। और आप? बस स्मिता बने रहना है। हाँ स्मिता बने रहना है, वो बहुत जरूरी है क्योंकि इंसान मतलब हर कुछ कर ले, अपने आपको बदलना नहीं चाहिए कोई भी कंडीशन, पर उसे सवार लो और बेहतरी लाओ, है ना। और मुझे आप लोगों के लिए ऐसे ही बेहतरीन ब्लॉग बनाते रहना है पूरा साल। ये मेरा मतलब मेरा ये एक ख्वाहिश है कि बनाते रहूँ, कोई भी कुछ भी बोले बस बनाते रहना है। क्या कोई भी काम के लिए बहुत जन रोकेगा आप लोगों को, बट जो काम अगर सही है और दिल से आप करना चाह रहे हो तो उसको करो, है कि नहीं, बोलो सही बात है कि नहीं। बहुत जन बहुत कुछ बोलता है, ये काम नाम नहीं मिलता है क्या, बस ब्लॉगिंग करते रहती है, बट करना चाहिए। देखो पीछे से गोमजी लोग आ रहे हैं, रुकी मैं दिखा रही हूँ।